दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार किचन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी चटनी जो बनती है कच्ची लाल मिर्च से। इसे बनाना बेहद आसान तो है ही, लेकिन ये खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है। चलिए देख लें इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 3 कच्ची लाल मिर्च और 10 से 15 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। साथ ही नमक को स्वाद के अनुसार लें। ये राई के दाने लिए हुए आधा चम्मच। आधा चम्मच मैंने यूज किया है जीरा। साथ ही लिया है चाट मसाला आधा चम्मच। चाट मसाला की जगह आप नींबू के रस का यूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो डंठल है उसे निकाल के कट कर लेंगे। ये मिक्सर जार लिया हुआ है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके इसे कट कर लेना है। मैं इसके बीज का यूज भी कर रही हूँ इस रेसिपी में। अगर आप चाहें तो इस बीज को निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ये मिर्च है इसमें मिर्च ज्यादा नहीं होती है। इस तरीके से सारी मिर्च को हमें कट कर लेना है। ये मैंने मिर्च को कट कर लिया। अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी ये लहसुन की कलियां। इसके साथ ही अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके कट कर लूंगी। नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। साथ ही ऐड कर लूंगी ये चाट मसाला और इसका हमें एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। ये मैंने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। पेस्ट को पीसते वक्त पानी का यूज बिल्कुल ना करें। ये देखिए इस तरीके से पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया हुआ है। मैं सजेस्ट करूंगी कि इस चटनी को आप सरसों के तेल में ही बनाएं तो ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। तेल गर्म हो जाए तो हमने इसमें ऐड कर लिया जीरा। साथ ही ऐड कर लिया ये सरसों के दाने। आप चाहें तो इसमें हींग का यूज भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। ये सरसों के दाने जब हमारे चटकने लग जाएं तो हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया है, इसे ऐड कर लेना है। इसे ऐड कर लिया और मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हमें इसे पका लेना है। तीन से चार मिनट तक इसे पकाना है, जब तक कि ये चटनी हमारा तेल छोड़ने ना लगे। तब तक चलाते हुए पका लें इसे। इस चटनी में पानी का यूज बिल्कुल भी ना करें। इस चटनी को आप 10 से 15 दिन तक के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें से ये तेल छूटने लगा है। ये देखिए ये ऑलमोस्ट पूरी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।